हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम मिल्क शेक। गर्मियों के मौसम में आप ज़रूर बनाइए, हेल्दी ड्रिंक रहता है। इसमें लगभग हम 1 लीटर के तकरीबन दूध ले लेते हैं। आप दूध कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा बॉयल होने देंगे और तब तक हम ये आरारोट पाउडर है, आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं आरारोट की जगह पर। और इसको हम 1.5 से 2 चम्मच थोड़ा सा गरम दूध लेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो है दूध को तब तक इधर बादाम हमने भिगो लिया है 4 से 5 घंटा, और इसके हम छिलके निकाल देंगे। और इसे हमें दरदरा कूटना है, इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। इसे हम सिल बट्टे पे कूटेंगे। आप देख सकते हैं दूध में भी बॉयल आ गया है और हम इसमें चीनी डाल देंगे। अगर आप घर पर बनाते हैं तो चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर से पीते हैं तो आपको चीनी ज़्यादा लेनी पड़ती है। इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, आप चाहें तो इसमें केसर और इलायची डाल दें। और इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसमें कलर बहुत सुंदर आ गया है, हम देख सकते हैं अभी धीरे धीरे कलर और गाढ़ा होगा और सुंदर कलर आएगा इसका। अब जो है इसमें हम डाल देंगे ये घोल बना हुआ, और इसे हम 5 से 7 मिनट चलाते रहेंगे। इधर हमने बादाम को जो है सिलबट्टे पे कूट लिया है, इसे हमें दरदरा ही कूटना है। आप चाहे तो पेस्ट भी बना के डाल दें, बट थोड़ा थोड़ा मुंह में आता है तो अच्छा लगता है पीने में। ये ड्रिंक आप भी बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी भी मेहमान आ जाए तो आप ज़रूर बना के इन्हें सर्व करिए। दूध देख सकते हैं अब अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इन्हें हम लगातार चलाते रहेंगे। अब इसे हम ठंडा करके फ्रिज में रख देते हैं, और ये फ्रिज में रखने के बाद अब चलते हैं हम सर्व करने। इस तरह के ग्लास में आप सर्व करिए तो देखने में भी टेम्प्टिंग लगता है। अब इसे हम बादाम से गार्निश कर देंगे, और आप चाहे तो थोड़ा सा केसर भी ऊपर से डाल दें। आई होप कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आएगी। पसंद आएगी तो बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, और साथ में हमारे चैनल माधुरी किचन ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, आई लव यू फ्रेंड।